वाईदू न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पाक मीडिया की खबर आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है और आप जब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वीडियो बनाने का हौसला कम हो जाता है। कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई वीडियो गलत लगती है तो हमें कॉमेंट करके बताएं और पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं कॉमेंट में बताएं। बादशाह जज्बात, शहरियार आफरीदी साहब को चेयरमैन कश्मीर कमेटी मुंतखब कर लिया। मेरा ख्याल है ये खबर हिंदुस्तान भर के वासियों के लिए, खुसूसन मोदी महाराज के लिए, बहुत शदीद झटके का बायस होगी और अब उनकी खैर नहीं। तने तन्हा उम्मीद की जा रही है कि शहरियार द ग्रेट आफरीदी साहब कश्मीर को आज़ाद करा लेने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और MMA ने इस इंतखाब की मुखालफत फरमाई, वॉकआउट फरमाया। ताहम नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कभी पहले किसी ने सुनी है ना कभी आगे सुनेगा। अपोजिशन का कहना था कि किसी सीनियर रुकन को ये ओहदा दिया जाए। ताहम कुरए फाल जो है वो शहरियार द ग्रेट आफरीदी साहब के नाम पर निकला। वो फ़ख्र इमाम साहब की जगह, जो माशाल्लाह काफ़ी सीनियर एक रुकन थे, उनकी जगह वो ओहदा संभालेंगे चेयरमैन कश्मीर कमेटी का। ये बताता चलूँ कि मौसूफ पहले ही एक मसनद वजारत पर मुतमक्किन है। दूसरी स्टोरी, सिंध से सेवन में इन्वर्टेड कॉमास में गुड गवर्नेंस की एक तारीख रकम हुई है। अदालत के हुक्म पर एक बच्चे को, जिसका नाम अमजद बताया जाता है, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन फराहम की गई है। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं दरोगोई कर रहा हूं, यह खबर बाकायदा आज के अखबारात की जीनत बन चुकी है। अदालत ने इंटरवीन किया है और अदालत के हुक्म पर सेवन में भान सैदाबाद का कमसिन अमजद, जो 6 दिन तक अस्पताल के चक्कर लगाता रहा अपने माँ बाप के साथ, जिसकी सुनवाई ना हुई, और उसके बाद जब उसका बाप सिंध हाई कोर्ट पहुँचा, सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस लिया फर्स्ट सिविल जज की मौजूदगी में, उसके बाद जाकर बच्चे की वैक्सीनेशन की गई। ताहम जमहूर के लिए खबर यह है कि आप परेशान मत होइए, अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अलहम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। आपकी कबूर पर चढ़कर बांसुरी बजाई जाएगी जमहूरियत की और जमहूरियत का पौधा इंशाअल्लाह ताला एक तनावर दरख्त में बदल जाएगा। आप अपनी खैर मनाइए। आज की तीसरी खबर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक मरतबा फिर मीडिया कवरेज पाने में काफी हद तक कामयाब रहे। एक मरतबा फिर उन्हें जलाल आया और उन्होंने नैब की नजर उतारी है। फरमाते हैं, मुल्क चलाना है तो नैब को खत्म करना होगा। पूछना यह था कि सर, जब आप लोग अपने तौर पर मुल्क चला रहे थे तब ये कार्य खैर क्यों कर न किया। साबिक वजीर आजम ने चेयरमैन नैब पर अपनी गिरफ्तारी की साजिश का इल्जाम आयद कर डाला। उन्होंने फरमाया कि मैं चूंकि बोल रहा हूं इसलिए उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मेरी गिरफ्तारी जो है वो गालिबन हुआ ही चाहती है। कहते हैं कि मैं साल 2000 से नैब का गाहक हूं, कस्टमर उन्होंने बताया, मेरे अपने हिसाब से क्लाइंट हो गए ये। लीगी रहनुमा ने नैब को ऑन एयर तफ्तीश का चैलेंज देते हुए कहा कि हिम्मत है तो मुकाबला आओ। शहजाद अकबर साहब पर तबर्रा फरमाते हुए उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर को जिसने अपॉइंट कराया उसने लाहौर में 12 करोड़ की, ज्यादा नहीं, 12 करोड़ की कोठी या बंगला तामीर कराया। जरा हुकूमत उस शख्सियत से तो उसका जरिया आमदन पूछे। इसी किस्म की कुछ खबरों पर गुफ्तगू के लिए, बल्कि सैर हासिल गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम आलम ऑगस्टाइन साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फुल मिनिस्टर हैं माशाल्लाह। सर, प्रोग्राम में पहली मरतबा आप शिरकत का रिस्क उठा रहे हैं, मैं आपकी हिम्मत पर आपको दाद देते हुए आपको खुशामदीद कहता हूँ। अवैस कादिर शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी फुल मिनिस्टर हैं माशाल्लाह, मेरे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। सर, पहली मरतबा आप भी ये ख़तरा मोल ले रहे हैं, सलाम तहसीन पेश करता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, ये इन्हें मैं क्लाइंट कह सकता हूँ कम अज़ कम, क्योंकि मेरे प्रोग्रामों में अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकायदगी से शरीक होते हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को अपने शो में नुसरत सहर अब्बासी साहिबा भी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। GDA से ताल्लुक़ है मोहतरमा, किसी तारुफ की गुंजाइश तो नहीं है, ताहम फिर भी नुसरत सहर अब्बासी साहिबा के पास मैं जाऊँ सेवन वाले वाक़े पर गुफ्तगू के लिए।
उससे पहले मैं जाऊंगा हुकूमत की जानिब, एजाज आलम साहब की जानिब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। हुजूर वाला, शहरियार आफरीदी साहब का इंतखाब, उम्मीद की जा रही है कि अब कश्मीर आज़ाद अगर नहीं भी हुआ तो भी मोदी को जितनी ललकार सुननी पड़ेगी, जितनी तबर्रबाजी उस पर होगी, मोदी ने अपनी पैदाइश से आज तक इतनी कम अज़ कम सख्त बातें तो नहीं सुनी होंगी जितनी चेतावनी उनको अकेले तने तनहा मेरे मिनिस्टर साहब शहरियार आफरीदी साहब दे डालेंगे। सर, सीनियर रुकन के तकरीरी पर या इंतखाब पर जोर दिया हुकूमत ने, ताहम सीनियोरिटी जो है वो मेरे ख्याल है किसी खाते में नहीं आई और इनके नाम पर ये कुरए फाल निकला, कुछ तबसरा अगर आप फरमाएं। शुक्रिया जनाब सदीकी साहब, आपने अपने इंट्रो में ये बात की कि सीनियर रहनुमा को तो, और आपको ये भी पता है कि इससे पहले आपको पता है कि मौलाना फजलुर्रहमान साहब बहुत ही सीनियर रहनुमा थे, ठीक है, और उनको कितनी दफ़ा कश्मीर का कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और फिर ये भी आपने रिज़ल्ट भी देखा, और फिर आपने ये भी देखा कि किस तरह कश्मीर कमेटी का को एक, मैं कहता हूँ कि कश्मीर पर क्या काम होना था। लेकिन जिसका नाम शहरयार आफरीदी है, शायद आप उसके आप उससे अच्छी तरह सदीकी साहब वाकफ़ नहीं है, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के फाइटर हैं, और जो आपको पता है कि नारकोटिक्स में जब थे तो वो मैं समझता हूँ कि वो हमेशा रात को निकल पड़ते थे इस्लामाबाद की गलियों में, और आप इस जिस तरह का, और सीनियर जूनियर की बात नहीं है, बात ये है कि जब आपके अंदर एक जज्बा हो और मैं स्पिरिट हो तो यकीनी तौर पर आप उस काम को बेहतर तरीके से कर सकती हैं। बाकी तो आपने खुद ही बहुत सारी बातें बता दी कि बहुत सारी, पहले जहाँ तक आपने कश्मीर आज़ाद करने की बात की है तो मैं समझता हूँ कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने अपना केस किस तरह यूएनओ में उठाया, वहाँ यूनाइटेड नेशन में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच थी, और यकीनन दुरुस्त है सर, आपका नुक्ता तो कन्वे हो गया। अब अगर उस स्पीच के गिर जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे रहनुमाओं को चांदमारी का मौका फराहम हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी हवाले से आपको नाराज़ करूं। ताहम आपकी खिदमत में एक बात गोशगुजार करते हुए मैं अपने अगले मेहमान की जानिब जाऊंगा। आपने मुझ पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि मैं शहरयार आफरीदी को नहीं जानता, मैं सर मैंने अकेले उनके खिलाफ जितने प्रोग्राम किए हैं, कह रहा कि आप जानते हैं, मैं कहता हूं कि शहर, और दूसरी बात मैंने ही उनका नाम रखा है, मैं ही ये हूँ कि जिसने उनका नाम वजीर हवाई फायरिंग रखा है, वो सिर्फ मुंह के मुजाहिद हैं, ये बात मैं वो बददिमाग आदमी हूँ जो ऑन एयर 5 लाख दफ़ा कह चुका है और अगले 15 लाख दफ़ा भी आपको ये बात सुननी होगी। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं आपसे खुदा ना खास्ता कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ एक बात आपकी गोशगुजार करूँ, आपने तशबीह दी रात में निकलने, सर रात में तो शहनशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन भी निकलता था इंसाफ करने के लिए, लेकिन फिल्म के आखिर में वो फिल्म का इंसाफ कर चुका था अमरीश पुरी को, उसने टांग दिया था, ये वो अमिताभ बच्चन है जिनके हाथ में कोई अमरीश पुरी आज तक नहीं आया। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ़।